रात को मैं परसों रात को अंदर बैठ के एडिटिंग कर रहा था, रात को 3:30 बजे और हमारी बेल बज रही है अपने आप नीचे से। हाँ। एसी अपने आप चल रहा है गाड़ी का, अपने आप बंद हो रहा है, तो चड्डी पा लिया नंगा घूमदार ना। थैंक यू। आजा, गुड बॉय। देखो गाइस, बनी अपने टॉय के साथ खेले जा रहा है। हाय, मजा आ रहा है और देखता रहता है। ब्रॉडी आ रहा है तो ब्रॉडी ना ले ले उसका टॉय। वो देखो ब्रॉडी आ गया। ब्रॉडू ब्रॉड, वो देखो कैसे देख रहा है, देखो जरा। अबे नहीं ले रहा, ब्रॉडी बच्चा नहीं है, तू बच्चा है। सो हे गाइस, की हाल चाल, सारू सत श्रीकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं सब लोग, होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज है गुरुपूरब और आज की प्लानिंग कुछ ऐसी, पहले मैंने और विनोद ने जाना है, एक LED एक्सपो लगा हुआ है नोएडा में, क्योंकि मेरा LED से रिलेटेड काम है। हम लोग डांस परफॉर्मेंस करते हैं जो LED लाइट्स वाली, तो वहाँ पे कुछ चेक वेक करने जाना है। मैंने कुछ LEDs वगैरह मेरे काम की अगर मिलती हैं तो कुछ, और दूसरी चीज़ उसके बाद फिर हमने स्टूडियो में जाना है। उससे पहले स्टूडियो में थोड़ा सा काम है और उसके बाद फिर घर पे आएंगे शाम को। गुनीत, मैं, सतिंदर, सारे हम जाएंगे गुरुद्वारे, क्योंकि आज गुरुपुरब है। तो सारे गुरुपुरब दी लख लख बधाइयाँ, है ना ब्रॉडी, है ना, गुरुपुरब दी लख लख बधाइयाँ ना। अब तेरी ऐसी कितने ऐसी यार, बस कर यार तू। वो देखो कैसे खेल रहा। फाइनली बनी का टॉय के लाने का फ़ायदा हो गया, फुल मजे ले रहा है टॉय से वो। और मैं दिखाता हूँ आपको गुनीत और घर का हाल, देख लो पहले, खचाड़ा मचा पड़ा पूरा। अब मैं घर को सही करने के बजाय उसको पढ़ा रही हूँ, उसको सही करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह पढ़ने दो उसको। सो गुनीत यहाँ पे स्टडी कर रही है, और ओए राइटिंग खराब करोगे उसकी, बेड पे बैठ के राइटिंग करो। तो कुनीत यहाँ पे स्टडी कर, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आऊंगा शाम को, रेडी रहना, शाम को आके चलेंगे गुरुद्वारे, ठीक है। अच्छा पहले मेरी राइटिंग दिखाओ। हाँ दिखाओ कुनीत की राइटिंग, देखो भाई चेक करो कुनीत की राइटिंग, कुछ समझ नहीं आने वाला है। नहीं, अच्छा लिखते हो कुनीत, आपने छोटा बहुत कर दिया, थोड़ा बड़ा करो इनको। आप राइटिंग तो आपकी अच्छी है बहुत, लेकिन आप थोड़ा छोटा करो, मेरे से तो बहुत अच्छी है, मेरी तो डॉक्टर वाली राइटिंग है कुनीत। और यहाँ पे विनोद कर रहा है अपनी राइटिंग, चले भाई निकले, चलो चलते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नोएडा, काफ़ी दूर है, 1.5 घंटा लगने वाला है। तो गाइस ये देखो, ये मैंने iPhone 13 लिया था और सत्येंद्र के पास iPhone 10 था, उसने मेरा iPhone 11 ले लिया था। अब ये iPhone 10 को पता नहीं क्या हो गया, ये ऑन ही नहीं हो रहा। मैंने इवन के ये साइड से ये करके देख लिया, जैसे चार्जिंग पे लगा हुआ है। iPhone का बड़ा ये बड़ा सीन है यार, एकदम से कुछ भी हो जाता है फ़ोन को, मतलब इतने महंगे फ़ोन को iPhone के कुछ भी हो जाता है। ऐसा 2-3 बार मेरे कब के रिलेटिव्स में भी हुआ है सबके, मतलब कभी भी कुछ भी बंद हो जाता है, पता नहीं चलता। आईफोन को ऐसे होना नहीं चाहिए। हाँ भाई क्या हाल है, जिंदा है अभी तक? जिंदा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। पोस्टमार्टम ड्रेसेस का, हमारे ड्रेसेस का पोस्टमार्टम हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस हम लोग निकल तो गए हैं, 1 घंटा में ऑलरेडी हो गया है और अभी आधा घंटा और लगेगा। ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं हम, और पता लगे इतनी दूर हम जा रहे हैं और कुछ ना मिले मूड खराब हो जाएगा। और गाड़ी को पता नहीं क्या हो रहा है, एसी अपने आप चल रहा है। हम पहुंच गए हैं LED एक्सपो, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। सो गाइस हमारे बोर्डिंग पास निकल गए। गाइस हमारे यहाँ कुछ काम का तो मिला नहीं, अब हम आए हैं मेन काम करने, जो वो कर लेते हैं। हम कुछ खाने आए थे यहाँ पे, जो हमारा जो प्रोफेशन है ना, जो हमारा कॉस्ट्यूम वाला, वो तो हमें यहाँ कुछ मिला नहीं गाइस। तो अब हम कुछ खाएंगे और वापस जाएंगे। इतनी दूर गया नोएडा, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, पता वहाँ पे मजा ही नहीं आया। मैं सोचा था LED लाइट वगैरह देखूंगा, कुछ अपने काम का कुछ होगा, लेकिन मेरे काम का कुछ भी नहीं था। मैं आ गया हूँ वापस घर पे। अब आप कहाँ जा रहे हो, गुरुद्वारे जाना थोड़ी देर में? मैं नीचे जा रही हूँ खेलने बच्चों के साथ। अभी इन दोनों का गाइस ये वेट कर रहे हैं, इनको वो वाला वर्ड बोल नहीं रहा जाने के लिए। अभी मैं पहले जाऊँगा, स्वीट लेने जा रहा हूँ मैं गुरुद्वारे में, स्वीट चढ़ानी है। हाँ जी पापा, आपको पता है कि दोपहर को जब आप चले गए थे तो ये सब्सक्राइब बटन गिफ्ट दिया, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। वो भी मैं भी नहीं खाऊंगी यार। क्यों नहीं खाओगे, आपको डार्क चॉकलेट अच्छी लगती है? आप क्या हो गया, तो वहाँ पे हॉट चलिए जी। हाँ जी, कितनी तैयारियाँ चल रही हैं। ये मैंने साड़ी का, ये मेरी शादी के बाद जो रोटी होती है ना, तब मुझे साड़ी मिली थी, उसका मैंने सूट सिलवाया। अच्छा लगा। और
अपना साड़ी अपनी साड़ी आपकी साड़ी हाँ जी मेरे तो पहनो ना फिर सारे उतावले देखने के लिए मैं भी पहनू सोना सोना की स्किन ठीक हो रही है गुड कभी ठीक होती है कभी खराब होती है अभी गाइस अब मैंने पता क्या किया ब्रॉडी के खाने से जितना भी काब है और जितना भी वो है स्टार्च वाला फूड जैसे पोटैटोज स्वीट पोटैटो राइस सब हटा दिया है अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ मैं ब्रॉडी को फिश भी दे रहा हूँ साथ में तो अब क्योंकि फिश सीन के लिए बहुत अच्छी होती है डॉग्स के सैल्मन होता है उसमें तो बन्नी को भी दे सकते अब हाँ वो बन्नी को भी दे सकता लेकिन बन्नी नखरे पड़े करता है खाने के लिए ठीक है चलिए ये लो पैसे मत्था टेकने के लिए कौन से 20 कल वाले तो मेरे से आपने अच्छा 100 जो मेरे से नहीं थे वो दो फिर तो आपने... दे दूंगी मैं दे दूंगी वो मुझे दो ना तो आप 100 मुझे तो 20 लो वापस क्यों भाई हाँ। देखो नुकसान खुद 200 ले लेना अच्छा चलो चलो 200 आप डाल देना चलो मैं डाल दूंगा दो ये लो क्या दो वो मुझे वो डालना है आपको चलो चलिए हाँ जी चलो आज फिर दिवाली की तरह सी और हाँ आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि फार्मर्स के फेवर में आ गया ना वो यस वी आर वेरी वेरी हैप्पी यस डबल खुशी और वो भी गुरुपुरब वाले दिन गाइस पता क्या हो रहा है रात को मैं परसों रात को अंदर बैठ के एडिटिंग कर रहा था रात को 3:30 बजे और हमारी बेल बज रही है अपने आप नीचे से पता नहीं क्या 2-3 बार बेल बजी मैंने जोर से कौन है वे उसके बाद जब मैं अंदर आके रूम में मैं कम से कम इतनी दूर खड़ा हूँ अपने उससे सिस्टम से अपने आप एडिटिंग प्ले हो गई मतलब कुछ भी और गुनीत अभी जब मैं आ रहा था ना रास्ते में अभी दिखाता हूँ अभी जाएंगे एसी अपने आप चल रहा है गाड़ी का अपने आप बंद हो रहा है अभी दिखा दूंगा चलो कुछ तो गड़बड़ है भूत एसी चलाने दया दया कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है हाँ कुछ गड़बड़ नहीं है वो देखो इन दोनों कुछ तो गड़बड़ है बनू बडू अब नया नामकरण हो गया फिर तो चड्डी पालिया कर नंगा कुमदार ना चड्डी पालिया कर जब ब्रॉडी की स्किन थोड़ी ठीक होने लगती है ना मेरा मूड भी ठीक होने लग जाता है मैंने इन दोनों का नाम रखा है ब्रॉडी है कालू ये चिट्टी कालू चिट्टी कालू चिट्टी अच्छा कालू तो चिट्टा बोलना फिर चलो चले यार अब तो गाइस अब हम जा रहे हैं रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे सो कैंडल लगाई जा रही हैं बनू हम जा रहे हैं ठीक है गुरुद्वारे जा रहे हैं अभी आ रहे हैं आज मैं अपना न्यू बैग लेकर जाऊंगा अरे वाह न्यू बैग लेके जाएगा मैंने इसमें अपने कराची डाले आईपैड डाला देखने के लिए और एक पिलो लेकर जाऊंगा बस करती रूपा तेरे गुण गान चले गुनी उतरो कहां जा रहे हो एक सेकंड ये मुझे चर्च ले आए हो हाँ चर्च नहीं आए हैं यही गुरुद्वारा हम जा रहे हैं नंगे पैर बहुत दूर तक चाहिए। नंगे पैर हाँ ये तो चर्च है लेकिन आ गया गुरुद्वारा चलो चले ये कह रही थी यहाँ रश नहीं होगा यहाँ आए हैं तो दूर दूर तक पार्किंग ही नहीं मेरे को रकाबगंज जाने का मन था हाँ मेरा भी था जाओ देखो मत्था मत्था टेक के जाते होते हैं जानवर वाली इंसान ठंडा था पानी बहुत ज्यादा जा रहा है लंगर खा के हाँ वो काफी देर से देखते जा रहे जबरत सुख पावा जबरत सुख पावा गुनीत कैसी मिली आइसक्रीम मजा आया ये तो ऐसे ऊपर गई और मिल गई ये आप वीडियो करो ना यस चाय मिल गई चाय बड़ी जल्दी चाय चाय कर रही आइसक्रीम चाय और मेरे पास भी है चाय मैं बोल रही हूँ लंगर भी चाय का स्वाद ही अलग होता है हाँ वो तो है ही है गुनीत यू कांट गो अपस्टेयर्स फिनिश योर आइसक्रीम फर्स्ट देन यू कैन गो क्योंकि मैं गुरुद्वारे आया ना तो मेरे को इंग्लिश आ गई है निकल गई
कहाँ भाग रही है? क्या कह रहा था ये? ब्लॉग में ले लिया ब्लॉग में। हेलो, थैंक यू, बाय बाय कर दो अब। कैसा लगा? बहुत 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 मजा आया, बहुत मजा आ गया। और ये पहले गुनीत कह रही थी पापा गुरुदेव इतनी भीड़ है, ये है वो है, मुझे लंगर नहीं खाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, और बाद में जब गई है ना इसको है वाला मजा आया। है ना गुनीत? अरे इसको बंद करो पहले यार। गुनीत पीछे नहीं बैठ सकते आप, इतनी जगह नहीं पीछे। अरे घुट जाओगे आप पीछे। गुनीत चलो ना बेबी, क्या कर रहे हो? रात के 12 बज रहे हैं गाइस, देखो 12 बज गए हैं। अच्छा, इसको इसको 12:05 हो गए हैं। हम पूरा वापस। एक सेकंड। ओ तेरी, इसकी पावर है ये तो। पावर है गुनीत। अच्छा फोन दे। हमारा एसडीसी देखो कैसे लटक गया। एसडीसी बाय। तो भाई इतने सब्सक्राइबर मिले गुरुद्वारे में, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, मतलब मजा ही आ गया। इतना प्यार, इतना प्यार है वाला प्यार। और बच्चे कितने खुश हो जाते हैं ना। हाँ, बहुत दूर गए थे हम नंगे पैर, है ना। इतनी भी दूर नहीं पर बचपन याद आ गया। बचपन में इसी गुरुद्वारे में आते थे। हाँ, मजा आ गया, चाय पी के और लंगर छक के और सब कुछ वाला मजा आ गया। और चलो, कितने सब्सक्राइबर, कितने खुश होके मिलते हैं ना, उनके फेस पे खुशी देख के हमें और मजा आता। एक बच्ची कह रही है हेलो, फिर बाद में उसकी मम्मी बोल रही ये क्या, ये पूछ रही है ये मम्मा ये टीवी में से निकल के आ गए बात। टीवी में से निकल के आ गए। सो गाइस चलो इसी के साथ हैप्पी गुरुपर्व टू ऑल ऑफ यू। इस व्लॉग को नहीं एंड करते हैं। कबूतर सा पता नहीं क्या करता रहता है। चलो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। हैप्पी गुरुपर्व टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी गुरुपर्व सारे अनु गुरुपर्व दियां लाख लाख बधाइयां। हां एवं ही सानू प्यार दियो और देंदे रहो। चलो बाय 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 करो। Bye, Kaju.